आड़ी टेढ़ी जगह पर भी इसका बराबर यूज किया जा सकता है। तो गाइस जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, मेरे पास है सिंपेक्स का ट्राइपॉड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिला है क्योंकि ये चीज़ मैं मार्केट से लेकर आया हूँ। अगर आप यार ऑनलाइन परचेस करते हैं तो इसका प्राइस करीब 800-900 के करीब है और ये मुझे मार्केट में मिला है 600 रुपये में। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल दिख रहा है और इसको हम ओपन करके देखेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी किस तरीके की इसकी क्वालिटी है सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए हम इसको खोलना शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमको मिलता है इसका, ये देखिए दोस्तों, ये आपने देखा होगा, ये अपन मोबाइल फ़ोन को फिट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं ये टूल्स को। देन सेकेंड आपको यहाँ पर मिलेगा इस बॉक्स को, मैं यहाँ पर साइड में रखते हुए यहाँ पर हम देखेंगे कि सीधा सीधा हमको यहाँ पर मिल रहा है बैग और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर खोल कर देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, वाह कितनी अमेजिंग तरीके से और कितनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी आपको दिखाई दे रहा है, प्रीमियम क्वालिटी दोस्तों आपको दिखाई दे रही है। तो इसको हम सिंपली खोलेंगे और ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास, दोस्तों इसको हम इस तरीके से यहाँ पर ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है। इसमें अपन को ये यहाँ से इस तरीके से ऊपर करने के लिए ये ऑप्शन दे दिया जाता है। ये दोस्तों ये मैक्सिमम अपन को DSLR कैमरास में यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें मैंने उनसे बोला था, बट उन्होंने कहा था ये फ़ोन में भी आप यूज़ कर सकते हैं और DSLR में यूज़ मत कीजिए क्योंकि यार कैमरा वगैरह महंगे होते हैं, अगर वो गिर गए तो प्रॉब्लम करने लगते हैं। इस वजह से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, ये आप इंजेक्टर टूल जो इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे मोबाइल, मैंने यहाँ पर ये जो अपना इंजेक्टर रहता है मोबाइल इंजेक्टर, यहाँ पर मोबाइल इंजेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाटर लेवल है, अगर आपका फ़ोन सरफेस लेवल पे है तो आपका ये बीच में रहना चाहिए। और तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रीमियम लग रहा है, कलर भी इसका बहुत ही बेस्ट कलर है और इसको देखिए दोस्तों बहुत ही ड्यूरेबल है और मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको परचेस किया। तो साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर इसको पूरा ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसकी हाइट और लेंथ इसकी क्या है। इसकी लेंथ करीब 5 फुट करीब बताई गई है, मैंने शॉपकीपर से पूछा था तो उन्होंने 5 फुट करीब इसकी लेंथ बताई थी। नॉर्मल अगर अपन वीडियो शूट करते तो यहाँ पर अपना फ़ोन अगर अपन ने इंसर्ट कर लिया और सिंपली आपके फेस के फ्रंट पर रहना चाहिए नॉर्मली कैमरा। तो दोस्तों ये रहा कुछ इस तरीके का। और इसमें यार मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी लगी, अगर यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जो स्पॉट्स ये ज़मीन में आप किसी भी एंगल पर इसको रख सकते हैं, आड़ी टेढ़ी जगह पर भी इसका बराबर यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर परचेस किया था। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये ट्राइपॉड आपको कैसा लगा, आप भी इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, जाकर आप इसको परचेस कर लीजिएगा। और सो दोस्तों वीडियो को अगर लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।